तो वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली मेल पे मैं उतर रहा हूँ और यहाँ पे मतलब बहुत सारे बंदे आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गेम प्ले आज का। ओके तो सबसे पहले मेरे को गन मिल चुकी है और वो भी मतलब शॉर्ट गन मिली है। ओके तो यहाँ पे बैग लूट लेता है जल्दी जल्दी से। और यहाँ सामने मेरे को बंदे की आवाज़ आ रही है और सामने ही बंदा, और इसको फाइनली नॉक डाउन कर दिया है मैंने। और ये दूसरा कहीं भाग रहा है, इसको भी मारता है जल्दी से। ओके तो ये भी नॉक हो गया भाई। मतलब अब भी आते ही मतलब 2 किल तो कंफर्म हो चुके हैं हमारे। इसको भी पूरा करता है बट उससे पहले थोड़ी लूट कर लेता है जल्दी जल्दी से। और बंदे यहाँ पे है। ओके ओ भाई, अरे भाई मत मार, भाई मत मार, इतने जल्दी कहा है तेरे को। सो फाइनली गाइस सामने ही बंदा है और मैंने कार से थोड़ा तो डैमेज दे चुका है। और इसको भी शॉर्ट गन से मारने का ट्राई करता हूँ। ओ भाई गोली मिस हो गई बट स्कार तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैंने स्विच करके फाइनली इस बंदे को भी मार दिया है। तो यही हमारे पास, यानी कि अभी हमारे पास 3 किल फाइनली हो चुके हैं। ओके और अभी हमें और भी किल करना है, तो गाइज हमें जल्दी से यानी कि यहाँ पे नीचे भी जाना पड़ेगा। और नीचे जल्दी जल्दी जाते हैं, मतलब इस बार हमें बहुत सारे किल करने। रिवाइव ओके कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, रिवाइव कर रहा है, रिवाइव कर ओके रहा है। रिवाइव कर रहा है भाई, मेरे को समझ में आ चुका है। तो मेरे को डायरेक्टली रश करना है और मतलब मैंने थोड़ा तो डैमेज एक और दिया है। रिवाइव कर रहा है, रिवाइव कर रहा अभी है। एक और है भाई, मतलब अभी भी एक और बंदा है। तो ये रहा सामने और 165 का बढ़िया हेडशॉट, बट किल तो मिल गया। ओके ओके मेरे को लगा मेरे को किल ही नहीं मिला है, बट ये वाला भी किल हमने हासिल कर दिया है। ओके फाइनली ये किल भी हमारे हाथ में आ चुका है। और अभी हमारे पास यानी कि लिटरली हमारे पास एक SMG गन और दूसरी लॉन्ग रेंज की यानी कि ABCD या ACPD, कौन सी गन है मेरे को पता नहीं है, बट ये गन हमको फाइनली मिल चुकी है। ओके ये 56 का डैमेज देती है, बहुत अच्छा डैमेज देती है मेरे ख्याल से। ओके यहाँ पे बंदा है भाई, कैसे छुपेगा तू हमसे। ओ भाई ओ भाई, अबे यार मतलब बंदा कहाँ चला गया, ये यहाँ से मतलब गायब भी हो चुका है। मतलब मेरे डर से ही मतलब वो बंदा, ओ भाई ओ भाई, ये लिटरली गाइस मैं बच गया। ओके नहीं तो यहीं पे मेरा खेल खत्म होना तय हो चुका था। ओके यहाँ पे ही मेरा खेल पूरा खत्म हो जाता, बट हम लोगों ने मतलब बढ़िया मतलब वार्म अप दे दिया, यानी कि क्या ही मतलब हेडशॉट देके 137 का हेडशॉट देके मैंने उसको पूरा खत्म कर दिया। और यहाँ पे ये बंदा स्मोक करे जा रहा है, यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा अब तो स्मोक क्यों कर रहा है भाई, अब तेरे को स्मोक करने की जरूरत नहीं है। ओके सो फाइनली हमने यानी कि अब भी यानी कि मतलब कितने यानी कि 5 किल तो आते ही कर दिया है। ओके मतलब स्क्वाड भी अच्छी थी, और ये स्क्वाड मेरी नहीं है तो ऑब्वियसली तुम लोग गेस नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन ही प्लेयर है वर्ल्ड के। ओके तो गाइस वर्ल्ड के प्लेयर भी कभी कभी अच्छे आ जाते हैं, वैसे तो नहीं आते हैं बट आज कैसे आ गए मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो इस बार अच्छे अच्छे बंदे आ गए हैं। ओके और फाइनली हम लोग हैंड कैम गेम प्ले कर रहे हैं। तो गाइस जल्दी से मतलब अब यानी कि यहाँ से जिप लाइन पकड़ के हमें डायरेक्ट ही बंदों को ढूंढना है। जितनी जल्दी हमको प्लेयर मिलेंगे उतनी जल्दी हमें सबसे ज़्यादा यानी कि जितने हो सके उतने ज़्यादा किल निकालने। ओके और तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार इसका बैक पैक कहाँ चला गया। हाँ भाई फाइनली मेरा बैक पैक वो चला गया है, मतलब मैंने हाइड कर दिया है। ओके और तुम लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि आप लोग वॉलेट में जाके यानी कि वहाँ पे वॉलेट में जाके आप बैग को हाइड कर सकते हो। ओके तो मैं कोई हैक नहीं लगा रहा भाई। ओके तो चलो गए और फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं पीक पे। ओके तो जल्दी जाते हैं, जितने बंदे जल्दी जल्दी मिलेंगे उतने किल हम लेने वाले हैं। ओके तो यार अभी तो मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा सामने, अभी तक एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, बट बंदे जल्दी ही हमको मिलने वाले हैं वो तय है। ओके तो गाइस फाइनली मतलब मेरे को अभी तक एक भी बंदा नहीं मिला है, बट अभी थोड़े टाइम के बाद ही मेरे को बंदे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और मतलब सारे बंदे मतलब कहाँ चले गए हैं भाई, एक भी बंदा यहाँ पे नहीं है, यार क्या बात है। ओ भाई क्या कर रहा है तू, अबे ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था भाई। भाई मतलब IQ देखो बंदे का यार, ये तो मेरे को भी पता नहीं था ऊपर यहाँ से भी जा सकते हैं। देखो ना मतलब मेरे को लूटना होगा तो मेरे को जंप कर करके लूटना पड़ेगा इसको। अब यार लिटरली यार मजाक हो रहा है क्या, ये फाइनली इसको भी लूट लिया है। ओके तो चलो यार यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। और मतलब यहाँ से निकलने के बाद मेरे को सामने अभी बंदा
किया लेवल 3 का, तो लेवल 3 का वेस्ट अभी नहीं लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मतलब एक भी गन मेरे को नहीं दिख रही, सारी गन मतलब कहाँ पे चली गई है। ओके, ऊपर एक बंदा है, ये मतलब कैंपिंग कर रहा है क्या? हाँ, अरे भाई क्या कैंपिंग कर रहा है यार तू, ऐसे थोड़े बचेगा मेरे हाथ से। रुक जा तू, रुक जा, इसको हम अभी लेते हैं, अभी इसको पेलते हैं पूरा। ओके, दूसरी साइड जाते हैं और उसको खत्म करते हैं। ओ भाई सामने ही बंदा, और मतलब हेड शॉट का ट्राई, बट यार 46 का थोड़ा तो डैमेज दे दिया है। और मतलब इसका दूसरा फ्रेंड भी हमारे पास, यानी कि वो आ चुका है, तो मेरे को भागना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी स्क्वाड होगी तो मेरे को अकेले में ही मार देगी, तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओके, मतलब उसको तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे बंदे आने वाले हैं, तो पीछे से एक बंदा आ गया, तो इसको मतलब हेड लेने का पूरा ट्राई, और ये तो मतलब फाइनली डाउन हो चुका है, तो इसको पूरा कंफर्म करते हैं। ओके, सो इसका किल हमको मिल गया है, और अभी दूसरा एक बंदा आ चुका है। ओ भाई ये वापस रिवाइव हो गई क्या यार? सारी टीम एक ही कपड़े पहन के आई है क्या? एक ही कैरेक्टर लेके आई है लगता है। हाँ, ये दूसरा कैरेक्टर भी, तो दो तो हमने इन टीम के मार दिया, अभी दो प्लेयर बाकी है। ओके, तो ये यहाँ कहीं पे ही होंगे, तो इसको लूट लेते हैं, इन दोनों को जल्दी से जल्दी लूट लेते हैं। ओके, तो इसके पास क्रोजा थी, और दूसरे के पास मतलब अभी MP40 होगी, तो यार मैं ले लेता, बट इसके पास तो MP40 भी नहीं है, नहीं तो MP40 चैलेंज हो जाता, बट इसके पास तो MP40 भी नहीं है, तो हम MP40 तो नहीं चलाने वाले हैं ऑब्वियसली। तो अभी हमारे पास क्रोजा आ चुकी है, और दूसरी गन तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, तो अभी मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी MP40 नहीं मिली है, तो यार इतना ज़्यादा मेरे को तो मज़ा आने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, बट सामने इसके यानी कि इस टीम के दो प्लेयर अभी बाकी है। ओके, तो वो दो प्लेयर अभी यहाँ पे घूम रहे होंगे, तो मेरे को उन दोनों को ख़त्म करना पड़ेगा। और हमारे फाइनली तुम लोगों ने गेस नहीं, यानी कि अभी तक देखा नहीं है, तो ऊपर हमारे 8 किल हो चुके हैं, फाइनली 8 किल हमने कर दिया है। ओके, तो अब डायरेक्ट ही निकलते हैं यहाँ से जोन में, क्योंकि जोन आ रहा है और मेरे को जल्दी से जोन में जाना पड़ेगा, और मेरे पास 10 ग्लोबल है, तो मेरा अच्छा खासा यानी कि मेरा तो पूरा यानी कि क्या कहते हैं कवर तो फुल रहने वाला है। ओके, तो हम इतनी जल्दी तो मरने वाले नहीं है, 10 ग्लोबल है तो भाई वेस्ट तो करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास वो भी है, स्कैनर भी है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई नीचे बंदे हैं या नहीं है। तो ऑलरेडी फायर तो आ चुका है, तो मैं किल लेने का ट्राई करने ही वाला हूँ। गाइस जब आप लोग जोन में जाते हो ना, तो यही ट्राई करो कि यार पीछे से जो जो बंदे जोन में आ रहे हैं ना, उनका किल तुम निकाल पाओ। ओके, तो अभी बहुत सारे बंदे पीछे से आ रहे हैं जोन के अंदर। ओके, तो उनको जोन के अंदर तो आना पड़ेगा, और जोन का बाहर का भी डैमेज उनको पड़ने वाला है। तो गाइस मैं लिटरली में वो जब अंदर आएंगे ना, तो मैं क्रोसा से सबको ख़त्म करने वाला हूँ। ओके, फाइनली एक बंदा आ चुका है, तो इसको भी मतलब गजब डैमेज फाइनली एक किल तो मिल गया। अभी भी और बंदे हो सकते हैं, तो मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से ये अकेला ही था क्या? नहीं, अभी एक और बंदा है, मेरे ख्याल से अभी एक और बंदा है गाइस, बट वो दूसरी साइड से चला जाएगा, घूम के चला गया। ओके, नीचे बंदे तो नहीं दिख रहे यार, मेरे को तो कोई बंदा नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमको एक किल तो मिल गया है, तो अभी हमारे 9 किल हो चुके हैं फाइनली। और मतलब ये रैंक गेम प्ले है। ओके, तो गाइस ये सारे हीरोइक के प्लेयर है, यानी कि मैं अभी हीरोइक रैंक पे चल रहा हूँ, तो सारे प्लेयर हीरोइक के होंगे। तो ये हार्ड प्लेयर है, और मतलब अच्छा खेल रहे हैं अभी के लिए। तो अभी मेरे को और बंदे तो कोई भी नहीं दिख रहा, और मैं अकेला ही घूमे जा रहा हूँ, मेरी स्क्वाड दूसरी साइड है, और मैं अकेला ही घूमे जा रहा हूँ, मतलब कोई भी मेरे को पेल सकता है इजीली यार। मतलब लिटरली मैं कोई पूरी स्क्वाड मेरे पे अटैक कर देंगे ना, तो मैं भाई वहीं पे ही ख़त्म हो जाऊंगा। ओके, बट कोई भी पूरी स्क्वाड आ नहीं रही है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये तो। ओके, तो अभी कोई भी स्क्वाड पूरी तो आ नहीं रही है, और स्क्वाड इतनी जल्दी भी नहीं आने वाली है, और अभी मतलब 70 प्लेयर लाइव है, और यहाँ पे तो कुछ तो गिरने वाला है भाई, मैं यहीं पे नहीं रुकने वाला, नहीं तो मेरा यहाँ पे ही दी एंड, यानी कि यहाँ पे ही मेरा खेल खत्म हो जाएगा। ओके, तो सारे बंदे मतलब अभी क्लॉक टावर पे हो सकते हैं, तो
चलो यार फाइनली अब क्लॉक टावर पे जाने का टाइम आ चुका है और मेरी स्क्वाड भी आ चुकी है फाइनली मेरे पीछे ये, और हमारे सारे प्लेयर अभी भी जिंदा है। मेरे को ये खुशी हो रही है क्योंकि हर बार मेरे सारे प्लेयर मर ही जाते हैं, और मतलब गाड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं यार बहुत ज़्यादा चलती में। ओके और गाइस अभी आपने कुछ नोटिस किया क्या? अभी 70 प्लेयर थे और अब फाइनली 20 प्लेयर हो चुके हैं, मतलब यहाँ पे किसी ने रिकॉइल किया है। ओके और मेरे को पीछे से नहीं बट आगे से और पीछे से दोनों साइड से डैमेज पड़ रहा है, तो मेरे को घर के अंदर भाग जाना चाहिए। तो मैं घर के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले हील कर लेते हैं। ओके तो जल्दी से हील करते हैं। तो अभी मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा है, दोनों साइड बंदे तो है आगे और पीछे, तो यहाँ पे भी आगे एक बंदा है, मेरे को फुटस्टेप आ रहे हैं, तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। भाई मतलब ये तो टायर की रश करना है यार, भाई मतलब टायर की पीछे से आ गया। ओके तो अभी तो ऊपर भी बंदे हैं, तो ऊपर वाले को जल्दी से ख़त्म करते हैं टायर की रश करके। ओके भाई कहाँ चला गया ये बंदा? यहीं पे ही था ना, ऊपर है मेरे ख्याल से, ये ऊपर होगा। ओके तो जल्दी से, ये एक बंदा तो ऊपर है, मेरे को MP40 मिल चुकी है फाइनली, और ये अपनी MP40 का अब तो मेरे को जादू दिखाना पड़ेगा। तो फाइनली मेरे पास बहुत सारे ग्लोबल है बट एक ग्रेनेड है, तो मैं ग्रेनेड कुक करके इसको मारने का ट्राई करने वाला हूँ। ओके बट मेरे ख्याल से ये बंदा, ओ भाई मेरे पे ही मेरी चाल उल्टी पड़ गई, मैं ग्रेनेड से मारने का ट्राई करने वाला था बट ये चाल तो फेल हो गई है, और हमारे टीम का एक प्लेयर भी मर गया है, तो मैं उसको रिवाइव करने का ट्राई करूँगा। बट उससे पहले यहाँ पे बंदा तो है ही नहीं भाई, ये डायरेक्ट ही कूद गया, भाग गया यार ये तो, यहाँ पे बंदा ही नहीं है, चला गया यार ये तो। नीचे फाइट हो रही है गाइस, वो प्लेयर मेरे को ही दिख रहा है बट मैंने अभी तक उसको रिवाइव नहीं किया, और ओके इसको भी मार दिया है। तो फाइनली ये भी किल मिल गया है, तो हमारे 11 किल हो चुके हैं, और अभी यानी कि सारे बंदे कहाँ पे चले गए मेरे को पता नहीं, ऊपर है क्या ये बंदा? नहीं 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 ऊपर भी नहीं है भाई, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी से, ऊपर मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता, नहीं तो मेरे को कोई भी ऊपर से डायरेक्ट मार सकता है। तो बंदा वो आ रहा है, थोड़ा सा डैमेज दिया है, और अभी 8 प्लेयर लाइव है, तो मैं नीचे जाके पहले उसको रिवाइव कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे टोकन है। ओके और कब से बोले जा रहा है हेल्प में ऑल में, तो उसको हेल्प करते हैं। अरे यार मैं भूल गया क्या यार, मैंने हेल्प ही नहीं किया यार, नहीं करते आज उसको अकेला ही रहने देते हैं, उसको हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी सोचेगा कि यार मेरे को हर बार मरना नहीं चाहिए। इसको बचाते हैं ग्लोबल फेंक के, भाई ये मर गया यार, ये भी मर गया फाइनली। ओके तो सामने एक और बंदा, तो इसको भी ख़त्म कर दिया है, और मतलब अच्छा खासा, मतलब मर तो नहीं गया बट बॉडी शॉट में ही हमने उसको पूरा ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे जल्दी से इसकी थोड़ी लूट कर लेते हैं, और वहाँ पे भी आगे भी एक बंदा है। ओके तो जल्दी से थोड़ा हील कर देते हैं, दो प्लेयर डाउन हो चुके हैं बट मैं इन दोनों को बचाने वाला नहीं, पहले मैं उसको मारने वाला हूँ। ओ भाई मतलब गजब डैमेज दे रहा है भाई, लिटरली में वो बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा है वो मेरे को, मेरे को यहाँ से डायरेक्ट ही निकलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, बट मैं उसको मारने वाला हूँ, तो हम डायरेक्ट ही रस करेंगे। वो यहाँ पे ऊपर ही बंदा है। ओके मेरे पास ग्रेनेड 3 ग्रेनेड है, तो मैं पूरे 3 ग्रेनेड फेंकने वाला हूँ। ओके एक, भाई इसको कुछ हुआ ही नहीं यार, ये दूसरा, ओ भाई ये तो मेरे पे ही आ गया, ये दूसरा ग्रेनेड है ऊपर की साइड, और जल्दी से रस करते हैं। ओ भाई मेरी बहुत ज़्यादा HP लो हो गई है, और मैं फाइनली डाउन हो चुका हूँ, उसने ग्लोबल में पैक कर दिया है। ओके अब वो ग्लोबल तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे ग्लोबल फेंकता हूँ और मेरे HP को फुल करता हूँ, क्योंकि मेरी HP अब रही नहीं है, वो रस करेगा अब डायरेक्टली, तो मैं उस पर पूरा रस करने वाला हूँ, अब हम रस करेंगे गाइस। ओके ये नीचे भी कुछ तो इसको भी ख़त्म कर दिया, मतलब यार बंदे ने मतलब पूरा माइन लगा के फेंक हो गया था बंदा, और मतलब पूरे साइड, उस साइड भी ग्लोबल लगा दिया, मैं इस साइड से ग्लोबल ग्रेनेड फेंकता या उस साइड से, तो भी ये मरने वाला नहीं था, परफेक्ट प्लानिंग करके इसने ग्लोबल लगाया है पता है। और हमारा फाइनली पूया हो चुका है, वो भी 30 किल के साथ। ओके तो मैं डायमंड 3 पे था यार, मैं भी खुद भूल जाता हूँ कभी कभी। ओके तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना।
करना। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।